नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2021-22 क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके बच्चों के यहां पर जो ऑनलाइन लॉटरी होती है उसमें अगर आपके बच्चों का यहाँ पे नाम आ जाता है उसके बाद दोस्तों आपको 5 इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ते हैं और दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर आप स्किप मत करिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप सब्सक्राइब करेंगे उसी के बाजू में एक बेल का यानी कि घंटी का आइकन आएगा, उसे आप ज़रूर दबाइएगा ताकि दोस्तों जैसे आपके 2021-22 के लिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे इसकी तुरंत जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिनों में आपके फॉर्म भरना यहाँ पर स्टार्ट होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको अपने पहले भी कई वीडियोस में बताया कि सिर्फ क्लास 1 के आपके ऑनलाइन फॉर्म भराते हैं और बाकी सभी क्लास का आपको ऑफलाइन एडमिशन होता है। अगर आप अपने बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं क्लास 1 का, इसका दोस्तों अगर आपके बच्चों के यहाँ पर लॉटरी में नाम आ जाता है उस समय आपको दोस्तों ये 5 जो सर्टिफिकेट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सबमिट करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे अपने बच्चों का तो उस समय आपके सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, एक तो आपके बच्चे की फ़ोटो लगती है और दूसरा आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट लगता है। इन 2 डॉक्यूमेंट के अलावा कोई भी अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। लेकिन जब आपके बच्चों का यहाँ पर दोस्तों नाम आ जाएगा उसके बाद आपके ये 5 जो सर्टिफिकेट है ये लगते हैं। तो पहला दोस्तों जो सर्टिफिकेट है ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, रहता आपके घर से लेकर स्कूल तक की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है ये आपको एक रिटर्न में देना पड़ता है केंद्रीय विद्यालय में अगर आपके बच्चों के यहाँ पे जो ऑनलाइन लॉटरी होती है उसमें नाम आ जाता है। तो यहाँ पर आप फॉर्मेट देख लीजिए कुछ इस तरीके का दोस्तों, ये आपके जो घर से लेकर स्कूल तक की दूरी इसका एक फॉर्मेट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रेसिडेंस, तो ये आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है और नीचे आपको लिखना पड़ता है कि जो आपका घर है और जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का यहाँ पर लॉटरी में नाम आया उसके बीच में दोस्तों यहाँ पे कितने किलोमीटर की दूरी है। तो ये दोस्तों जो फॉर्मेट है इसको आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके बाद सेकेंड फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई यानी कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं तो इस तरीके का आपको सर्विस सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, देन उसके बाद इंग्लिश में लिखा हुआ है और सबसे नीचे यहाँ पे दोस्तों जो भी आप डिपार्टमेंट है जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में उसकी यहाँ पर सील और साइन यहाँ पर लगता है। तो ये फॉर्मेट होता है, आप इसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में 5 जो फॉर्मेट है वो डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई का, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको ये वाला फॉर्मेट सबमिट करना पड़ता है। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है तो सर्टिफिकेट ये आपका सरकारी कर्मचारी जो कि राज्य के हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं उनको ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर आपका लिखा हुआ है राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे आपकी यहाँ पे सील लग जाएगी डिपार्टमेंट की और ये आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो चौथा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो मैंने आपको पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में बताया कि जो क्लास 1 में बच्चों का एडमिशन होता है उसमें सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाती है उन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई के बच्चों को दी जाती है जिनका पिछले 7 सालों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है। तो ये आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको किस तरीके का यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है उसका ये फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोस्तों जो फॉर्मेट है आपका 2020 का, अभी फिलहाल 2021 का नहीं आया, जैसे 2021 का आता है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ सर्टिफिकेट ऑफ नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे आपको पूरी आपकी डिटेल डालनी पड़ती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ काम करते हैं, आपकी पोस्ट क्या है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको टेबल दिख रहा है इसमें आपको पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी कि आपके कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हुए हैं और कितने साल कितने महीना फिर कितने दिन वहाँ पर आपने यहाँ पर काम किया है। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सील वगैरह लगानी पड़ती है जो भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं, पूरा यहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट आता है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड है यानी कि अगर आपकी सिर्फ एक बेटी है तो उसके लिए दोस्तों कुछ इस तरीके का आपको एफिडेविट बनवाना पड़ता है जो कि आपके 100 रुपये के स्टैम्प के ऊपर बनता है। यहाँ पर आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए, इसको डाउनलोड करके आप दोस्तों इस फॉर्मेट का यहाँ पर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का आपको ये सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है अगर आपकी सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, क्योंकि दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए भी यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व होती हैं केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 के एडमिशन के लिए। तो दोस्तों यही सब इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है जो कि आपको स्कूल में सबमिट करना पड़ता है अगर आपके बच्चों का यहाँ पर नाम आ जाता है
और दोस्तों जो सर्विस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है आप इसको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा वायरल टॉपिक, या फिर दोस्तों जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे मैं इसके लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाएगा और वहाँ पे दोस्तों जो आपके पूरे जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके बच्चे का यहाँ पर फोटो लगता है, इसके बाद आपका बच्चों को यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा अगर आप ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो आपके यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। अगर आपके बच्चों को यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है तो पेरेंट्स का भी यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट चल सकता है, किसी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर आपके बच्चों के यहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन होने के 3 महीने बाद आपको आपके बच्चों का यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपके स्कूल में सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके सभी सवालों को जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।